वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद शाहजान है और जैसे कि मैं एक ईएमए की सीरीज़ बना रहा हूं, तो अभी जो मेरे पास ईएमए मौजूद है वो है ईएमए 100, 200 और 300। तो अभी मैं इसको आपको दिखाता हूं कि इसको किस तरीके से देखना है। अभी 1 आवर का टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया हुआ है और आप देख सकते हैं, ये देखें ईएमए 200 क्रॉस किया है ये में 300 को, तो क्या हुआ, अब क्या होगा, रिजेक्शन आएगी। देखें पहले जो प्राइस थी इसकी वो थी 28,580 पर, और कितने डॉलर का फ़र्क आया इसमें, 27,200 का, 200 पे आ गई। तो तकरीबन जो इसकी प्राइस गिरी है वो गिरी है $1,200, ठीक है, $1,200 इसकी प्राइस गिर गई। सिर्फ इसको आप कंफर्म करके देख सकते हैं। एक एग्जांपल और मैं आपको दिखा देता हूं इसकी, 1 आवर के टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं मैं आपसे। रेड ऊपर ब्लू नीचे, ठीक है, क्रॉस किया है इसने और आप देख सकते हैं, ये देखें यहां पर जैसे इसने क्रॉस किया तो आगे रिजेक्शन, 26,800 प्राइस थी और प्राइस आ गई है 26,200, मतलब $600 का यहाँ भी प्रॉफिट होता, ठीक है, सिर्फ इसको ही देख के। अब आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ मैं कि ये किस काम आती है डेली टाइम फ्रेम में। ये देखें, ये रेजिस्टेंस हमें दिखाता है कि डेली टाइम फ्रेम में इसकी रेजिस्टेंस कहाँ पर मौजूद है, ठीक है, ये 100, 200 और ये 300 नीचे। पहले भी क्या हुआ था, रिजेक्शन ली थी इसने ईएमए 100 और 200 से और मार्केट जो है नीचे चली गई थी। अब दोबारा ये उठने की कोशिश की है इसने, अब आज देखते हैं सिनेरियो क्या बनता है। अभी तो रेजिस्टेंस से इसने रिजेक्शन दी है, लेकिन अभी कैंडल क्लोज होने में 11 आवर रिमेनिंग है, मतलब 11 घंटे अभी बाकी हैं। अब देखते हैं ये अगर प्राइस गई तो ज़्यादा से ज़्यादा होगी 28,000 और दूसरा टारगेट होगा 28,134। इससे ज़्यादा अभी नहीं जाएगी, वो आगे जो है मार्केट भी क्लोज होंगी क्योंकि वीकेंड आना शुरू हो जाएगा। तो अभी जो है प्राइस जो है इन तीनों रेजिस्टेंस के दरमियान ही घूमती रहेगी। 28,400 बहुत है अगर मुश्किल से गया तो, क्योंकि इसकी रैली जो है मंडे के बाद से स्टार्ट होगी और नेक्स्ट टारगेट 29,000 का हो सकता है। लेकिन अभी जो फ़िलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ वो इसकी रेजिस्टेंस है 28,000 के बाद है 28,146 और 28,455। जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही आप कमेंट में बताएं, मैं वीडियो शॉर्ट रख रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ सके। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।